बैक गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अर्जोबन और आप देख रहे हैं गेमर अर्जोबन। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लैश ऑफ क्लैंस के गेम प्ले पर, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर रोज ही वीडियोस अपलोड करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो वहां पर जो घंटी मिलेगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी बजा दीजिए, ताकि जो मैं अगली वीडियोस अपलोड करूं उसको उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं और आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बताया है कि आप कैसे फ्री जेम्स क्लैश ऑफ क्लैंस में ले सकते हैं और क्लैश ऑफ क्लैंस हैकिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो उप्स, ये बैटरी आ गई, चल छोड़िए इसे। और आज मैं हूँ अपने दूसरे अकाउंट पर जो है टाउन हॉल 7, और आज ही वो 1 घंटे 40 मिनट में टाउन हॉल 8 होने वाला है। तो मैंने सोचा इससे एक वीडियो बना दूँ, इससे भी शो कर दूँ कि कौन सी बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए टाउन हॉल 7 में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सबसे बेस्ट अटैक स्ट्रेटजी टाउन हॉल 7 की कोई है तो वो ऑब्वियसली ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी है। लेकिन उसका आप देख ही सकते हैं, अगर आपके पास 2 लेवल के ड्रैगन्स हो तो अगर आप 10 ड्रैगन्स लेकर जाएं साथ में 3 ये लाइटनिंग स्पेल्स तो आपको कॉस्ट करेंगे 3,50,000 एलिक्सर, मींस कि 350K। सो बहुत ही ज़्यादा है। आप इस आर्मी से यूज़ करके ऑब्वियसली मल्टीप्लेयर अटैक्स नहीं कर सकते, हाँ आप इससे वॉर अटैक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सीखना पड़ता है ये अगर ड्रैगन अटैक्स को। तो अब मैं बताता हूँ आपको, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी है और ये बहुत ही अच्छी है। इससे आप ट्रॉफी पुश कर सकते हैं टाउन हॉल 7 के, टाउन हॉल 7 में, और ये इतनी महंगी भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको आर्मी कॉम्पोजिशन बताऊंगा, और ये है वो आर्मी, ये देखिए, जिसमें है 15 जायंट्स, 34 आर्चर्स, 5 वॉल ब्रेकर्स, 18 विजार्ड्स, 2 मिनियंस। मिनियंस इसलिए रखे हैं कि अगर किसी के क्लैन सीसी से, क्लैन कैसल में अगर वेलक्रीज निकल आती है तो उन्हें साइड में लेकर वेलक्रीज से मार दिए, और मिनियन से मार दीजिए, क्योंकि ये वेलक्रीज इस लेवल में बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान कर देती है। और आप और एक हॉग राइडर ऑब्वियसली लेकर जाना ही होता है 3 हील्स पर। तो अब मैं आपको इसके एक रीप्ले शेयर करना चाहूँगा, ये देखिए अटैक स्ट्रेटजीज, ये देखते हैं जो 100% किया है मैंने रीप्ले। और ये देख रहे हैं जैसे कि एक टाउन हॉल 7 था जिसका मैं रीप्ले शेयर कर रहा हूँ, टैक्स स्ट्रेटजी वही है। और सबसे पहले इसको ऐसे स्टार्ट कीजिए, पहले हॉग राइडर फेंक कर ऑब्वियसली चेक कर लीजिए अगर उसके पास कुछ है तो, नहीं अब इसके पास नहीं था तो आर्चर से थोड़े अगर आप परसेंटेज पॉइंट शुरू पे खींच सकते हैं तो खींच लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अब हाँ, साइड में बिल्डर्स जरूर चेक कीजिए, अगर है बिल्डर हट्स तो एक एक आर्चर फेंककर उनको भी शुरू पे ही क्लियर कर लीजिए, ये एंड में आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, 99% तक रह जाता है। और जैसे देख सकते हैं मैंने ये 2 जायंट्स और उनके पीछे विजार्स इसलिए फेंके थे कि सारे डिफेंसिस जायंट्स के पीछे लग जाए और विजार्स पीछे ये लूट कलेक्टर्स में से कलेक्ट कर लें। और अभी मैं अपना मेन फेस टैग शुरू करने वाला हूँ, ये देखिए जाइंट सबसे आगे छोड़िए, साथ में किंग को छोड़िए, पीछे आर्चर्स जो फनलिंग की करेगी। इसमें भी सबसे अच्छा यही होगा कि आर्चर्स से आप फनलिंग कीजिए, 2-3 विजार्ड्स यूज़ कर सकते हैं फनलिंग के लिए, और बाकी विजार्ड्स जाइंट्स के पीछे जाने चाहिए। अब इससे टैग में पता नहीं गए कि नहीं गए, लेकिन जाने चाहिए जाइंट्स के पीछे, एक तो जाइंट्स उन विजार्ड्स को सेव करते रहेंगे और दूसरी बात वो विजार्ड्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं दूसरों का। हाँ लेकिन इसमें नहीं गए, लेकिन इसमें किंग उनकी टैंकिंग कर रहा है तो चलो ये भी अच्छा है, अगर जाइंट्स नहीं तो चलो किंग के पीछे चले जाएं। और मैं डबल स्पीड में अपना अटैक कर देता हूँ, ये देखिए अच्छा अटैक चल रहा है, जाइंट्स अपना काम कर रहे हैं, विजार्ड्स किंग सभी अपना काम कर रहे हैं, एक हील स्पेल बीच में फेंकी गई उनको बचाने के लिए। जैसे कि ये टाउन हॉल 7 इतना भी अच्छा नहीं था तो मैं, आप देख ही सकते हैं मुझे तीसरी हील स्पेल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही ओवर पावर्ड स्ट्रेटजी है टाउन हॉल 7 के लिए, और ये इतना कॉस्ट भी नहीं करती जैसे ड्रैगन अटैक स्ट्रेटजी कॉस्ट करती है। और एक और रिप्ले मैं आपको शेयर करने चाहूँगा, उसके बाद एक लाइव अटैक पर चलेंगे, जल्दी से एक और रिप्ले दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये भी 17 ट्रॉफीज, वाह कोइंसिडेंस, दोनों में मुझे 17 ट्रॉफीज मिली हैं। ये भी कुछ इतना अच्छा बेस नहीं था, चलो मैं इसको क्वाड स्पीड में ही दिखाता हूँ, नहीं डबल स्पीड में दिखाता हूँ, इतनी मेगा काली है। इसके क्लैन कैसल में कुछ नहीं निकला, और जायंट्स पीछे आर्चर्स, जायंट्स पीछे आर्चर्स, और फनलिंग के लिए किंग,
हील स्पेल पहले जाइंट्स को बचाने के लिए छोड़ेगी और साथ में विजार्ड ये देखिए मैंने अच्छी फनल बना लिया और विजार्ड अब पीछे ही जाएंगे शायद देखना तो पड़ेगा और जा रहे हैं पीछे ही विजार्ड्स अपना काम करते हुए जाइंट्स उनकी टैंकिंग करते हुए दूसरी हील स्पेल सही समय पर अगर अंदर में कोर में कोई चला जाए तो वहां पर हील जरूर छोड़िए जब तक कि आप उस वो टाउन हॉल और पूरा कोर बेस डिस्ट्रॉय ना कर दे। और ये भी कुछ इतना खास बेस नहीं था लेकिन चलो जो भी आप कॉर्ड स्पीड में कर देता हूँ। तीसरी हील स्पेल भी फेंकी और यस इजी 3 स्टार हो गया। ये देख सकते हैं ये कितनी अच्छी अटैक स्ट्रैटेजी है और अब इसी आर्मी को यूज करके मैं अब लाइव अटैक करने जा रहा हूँ सो देखिएगा जरूर। लेट मी फाइंड अ मैच। ये टाउन हॉल 8 एक अच्छा सा टाउन हॉल 7 ढूंढता हूँ। अभी टाउन हॉल 7 नहीं आ रहा आ गया लेकिन इतनी लूटी अब नहीं आ रहा जब आएगा मैं तभी कंटिन्यू करता हूँ अपनी ये वीडियो। और यस ये देख सकते हैं एक अच्छा बेस मिल चुका है हमें थोड़ी सर्च करने के बाद। अब ये हॉग राइडर ट्रेन कर देखूंगा उसके क्लैन कैसल में कुछ निकलता है नहीं निकला अच्छी बात है नहीं निकलना भी नहीं चाहिए। जोकिंग मैन अब मैं अटैक कहाँ से शुरू करूँ यार ये कैसा बेस बना है इसने। ऐसा करता हूँ कहाँ से अटैक शुरू करूँ चलो टाउन हॉल की तरफ से कर देते हैं शायद जाइंट बॉम्ब्स हो गए मुझे लग रहा है लेकिन देखा जाएगा यार हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। और जाइंट्स पीछे किंग साथ में वॉल ब्रेकर सही समय पर जाते हुए अभी एक टेस्ला तो निकला है अभी 2 विजार्ड्स इसको बचाने के लिए किंग को। अरे चलो ना यार कहाँ रह गए तुम लोग। और यस अब बाकी विजार्ड अंदर जाने चाहिए अंदर ही जाएंगे शायद देखते हैं। और ये पहली हील छोड़नी पड़ेगी पता नहीं क्यों पर छोड़नी पड़ेगी मुझे लग रहा था इनको ज़रूरत है। और ये देख सकते हैं विजार्ड ने कितनी जल्दी टाउन हॉल को तोड़ डाला। और यार यार बाहर मत जाओ यार बाहर मत जाओ क्या कर रहे हो यार ये बाहर नहीं जाने चाहिए। जैसे कि टाउन हॉल 8 में आपकी वेलक्रीज बाहर नहीं जानी चाहिए टाउन हॉल 7 में अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं तो आपके विजार्ड्स बाहर नहीं जाने चाहिए वो जाइंट्स के पीछे रहने चाहिए ताकि जाइंट्स उनकी टैंकिंग करते रहें। कम ऑन गाइस चलो अभी भी इजी 3 स्टार लगता है मुझे हो जाएगा क्योंकि एक तरफ से किंग ने टैंकिंग कर दी थी कुछ विजार्ड्स की और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली जाइंट्स कर रहे हैं। अब मुझे जाइंट बॉम्ब और बच गया नहीं तो ये विजार्ड्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देते हैं। मुझे लग रहा है शायद मुझे अब तीसरी हील स्पेल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं हाँ नहीं जरूरत पड़ेगी तो छोड़ो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। और ये बहुत ही अच्छा अटैक हो गया इस आर्मी को यूज़ करते हुए और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस आर्मी को यूज़ कीजिए। ऑब्वियसली ये ड्रैगन अटैक आर्मी से बहुत ही ज़्यादा चीप है और ये बहुत इफेक्टिव भी है सो ये आपके कितने पैसे बचाएगी भी इलिक्सर बचाएगी भी और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी भी। और यस आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको ये अटैक स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए नीचे कमेंट कीजिए बताइए मुझे कि और किस पर आप वीडियोस चाहते हैं और किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और कीप सपोर्टिंग गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और थैंक्स।